शाहरुख खान ने ऐश्वर्या राय को क्यों रिप्लेस कर दिया इस फिल्म से? क्या सोनाक्षी सिन्हा भी सलमान खान स्टारर रेस 3 का हिस्सा थी? इस हफ्ते कौन से मूवीज और शोज OTT पर रिलीज हुए हैं? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट विंध्या और ये रही आज की बॉलीवुड काउंटडाउन। अनंत अंबानी की शादी पे परफॉर्म करने वाले हैं ये सिंगर्स। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक कई रेनाउंड सिंगर्स जैसे बादशाह, स्टेबिन बेन और करण औजला परफॉर्म करने वाले हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर। सूत्रों की माने तो जस्टिन बीबर भी एक इवेंट पे परफॉर्म करेंगे। मिर्जापुर सीजन 3 हुई रिलीज। मच अवेटेड मिर्जापुर सीजन 3 आज फाइनली रिलीज हो गई अमेजोन प्राइम वीडियो पर। कई लोगों को लगा कि यही इस फ्रेंचाइज का लास्ट सीजन होने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि फिर एक बार मेकर्स ने स्टोरी को क्लिफ हैंगर पर छोड़ कंफर्म किया कि मिर्जापुर का एक और सीजन भी आएगा। आलिया भट्ट ने स्टार्ट की अपने नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ स्टारर स्पाइवर्स फिल्म का टाइटल अल्फा रखा गया है एंड सूत्रों की माने तो उन दोनों ने इस हफ्ते से फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। भुवन बाम के एक्टिंग की तारीफ की इस डायरेक्टर ने। रिसेंटली अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में बोला था कि भुवन बाम अच्छे एक्टर है, पर आज इस पर रिएक्ट करते हुए भुवन ने कहा कि वो इस कॉम्प्लीमेंट से काफी खुश है। भुवन ने बताया, मेरे चैनल पे एक पुराने वीडियो है जिसमें मैंने कहा कि अगर दो लोग मेरे एक्टिंग की तारीफ कर देंगे तो मेरे लिए वो बहुत होगा और उनमें से एक इंसान अनुराग कश्यप ही थे। इस फिल्म की सेट पर रणवीर सिंह का हो गया एक्सीडेंट। डायरेक्टर विक्रम आदित्य मोटवानी ने आज रिवील किया कि वेदर खराब होने की वजह से लुटेरा के शूट पर सेट गिर गया था और रणवीर सिंह को अपने बैक पर इतनी बुरी चोट आई कि उन्हें एयरलिफ्ट करना पड़ा वहां से। राजकुमार राव के इस फिल्म को बनने में लगा 1 साल। डायरेक्टर हंसल मेहता ने आज रिवील किया कि राजकुमार राव स्टारर शाहिद की 32 डेज शूटिंग स्केड्यूल को कंप्लीट होने में 1 साल लगा, लेकिन उसके बावजूद वो पूरे फिल्म को 65 लाख के बजट में कंप्लीट कर पाए। कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस। अपने रिलीज के 7 दिनों में ही कल्कि 2898 AD इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म ने इंडिया में 414 करोड़ की कलेक्शन की, जिसमें से 160 करोड़ हिंदी वर्जन से आए हैं। अनंत और राधिका के संगीत पर परफॉर्म करेंगे ये स्टार्स। अनंत और राधिका की संगीत आज मुंबई में होस्ट की जाने वाली है, जिसमें परफॉर्म करेंगे सलमान खान और रणवीर सिंह। क्या सोनाक्षी सिन्हा रेस 3 का हिस्सा थी? साकिब सलीम ने आज एक इंटरव्यू में रिवील किया कि सोनाक्षी सिन्हा ने दरअसल रेस 3 में गाना किया था, लेकिन वो गाना कभी फाइनल कट तक पहुंचा ही नहीं। इस फिल्म की री रिलीज चाहते है फैंस। जाने तो या जाने ना अपने रिलीज के 16 साल कंप्लीट कर चुकी है इस हफ्ते, जिसके चलते सारे कास्ट ने एक स्पेशल वीडियो शेयर की। ये देख फैंस इतने नॉस्टैल्जिक हो गए कि वो अब जाने तो या जाने ना की री रिलीज की इच्छा जता रहे हैं। टीम इंडिया की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं ये बॉलीवुड स्टार्स। टीम इंडिया की विक्ट्री परेड को फैंस की तरफ से प्यार तो मिल ही रहा है, लेकिन बॉलीवुड स्टार्स जैसे शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल ने भी आज इस परेड की तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की सोशल मीडिया पे। क्या सरफिरा रीमेक नहीं है? डायरेक्टर सुधा कुंगारा ने आज गलाटा प्लस के इंटरव्यू में कहा कि सरफिरा और सूरा राय पट्टू बिल्कुल एक नहीं है, क्योंकि अक्षय और सूर्या ने अपने अपने अंदाज में इस रोल को इतने यूनिकली पोर्ट्रे किया कि ऑडियंस को दो अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे मूवी देखने के बाद। हिना खान को रिप्लेस कर दिया गया इस शो से। हिना खान अब नेक्स्ट हॉटस्टार के शो रापचिक रीटा में एक लॉयर का रोल निभाते हुए नजर आने वाली थी, लेकिन उनके ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस की वजह से उन्होंने अब इस शो से बैकआउट कर दिया और मेकर्स ने एक नए चेहरे को लॉक किया उनके बजाय। दिस वीक्स OTT रिलीजेस। इस हफ्ते राजकुमार राव स्टारर श्रीकांत और तमिल थ्रिलर फिल्म गरुडन नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाले हैं। टेलर स्विफ्ट की मच अवेटेड डॉक्यूमेंट्री बैड ब्लड डिस्कवरी प्लस पर रिलीज होने वाली है और मिर्जापुर सीजन 3 आज अमेजोन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुका है। क्या सलमान खान की वजह से शाहरुख खान ने रिप्लेस कर दिया ऐश्वर्या राय को? शाहरुख खान की एक पुरानी वीडियो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कैसे वो ऐश्वर्या को चलते चलते से रिप्लेस करना रिग्रेट करते हैं। सूत्रों की माने तो सलमान ने ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद चलते चलते के सेट पे आके तमाशा किया था, जिस वजह से मेकर्स ने ऐश्वर्या को फिल्म से निकाल दिया।
बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।